हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। तो जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं तीन पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें एक एक्सप्रेशन दिया होता है हमें, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके हमें उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवैल्यूएट करना होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 1 होल अपॉन 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, ठीक। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्रीज है और ये 40 डिग्रीज है, तो इन दोनों का सम जो हो रहा है वो 90 डिग्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर में हमें नंबर कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो पहले दो टर्म्स में हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो वो हमने बाहर ले लिया, और यहां से बचा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस यहां से बचा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक, प्लस 1, ठीक। साथ में डिनोमिनेटर में देखा तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया इन दो टर्म्स में से, तो 3 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और जो माइनस 2 है वो अलग से बाहर आ गया, ठीक। तो अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में ऊपर जो दो टर्म्स दिख रही हैं तो उनका सम 90 डिग्रीज दिख रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक एंगल को चेंज कर लेंगे, ठीक। तो हमने क्या करा, दूसरे वाले एंगल को चेंज कर लिया, तो यहाँ पे ये 2 बाहर ऐसे ही कॉमन रहा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को ऐसे ही रहने दिया, साइन स्क्वायर जो 40 डिग्री था उसको हमने चेंज करके लिख लिया, 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 50 डिग्रीज, ठीक। और ये प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहा, बाकी नीचे की टर्म्स भी जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो भी सेम ऐसे ही रहने दी, ठीक। उसको हम इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज और कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज होती है, और ऊपर वाले जो टर्म्स है उनमें हमारे पास 50 डिग्री और 40 डिग्री है जिनकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, तो इसलिए नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर वाली को चेंज करेंगे, उसको कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, या तो वो कोई फॉर्मूला बन जाए या कोई आइडेंटिटी बन जाए, ठीक। तो अगर हम देखें तो इस वाले एक्सप्रेशन को अब हम रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को भी ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा था, ठीक है, जो 50 डिग्री वो थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो उसको हमने चेंज करके कॉस थीटा रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस 1, और जो नीचे की टर्म्स है वो वैसे की वैसे ही रहने दी, ठीक। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, ये हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला एक वीडियो है उसको पहले देख लें, तो चीजें आपको ज्यादा आसानी से क्लियर होंगी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अब रिड्यूस होके कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री की जगह लिख दिया हमने 1, ठीक। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 होल अपॉन 3 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस 2 यहाँ बाहर अलग से आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस 1, ठीक, और नीचे हो गया 3 इंटू ब्रैकेट में 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, इन दोनों का स्क्वायर करके आ गए और माइनस 2, ठीक, इक्वल टू ऊपर 3 हो गया, 3 इंटू इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 4 बाय 4, तो वो कैंसिल हो गया आपस में और माइनस 2, तो ये रिड्यूस होके हो गया 3 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 3, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 3। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, आपको कई टाइप से एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें दिए जा सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उसको रिड्यूस करके एक छोटी से छोटी वैल्यू लेके आनी है। अब इसी टाइप 3 क्वेश्चंस में जो दूसरे टाइप का सब टाइप है वो भी पहले वाले के जैसा ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है,
लेकिन अब इसमें फर्क यह है कि यहाँ पे वैल्यूज का यूज करके हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके हमें किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ टेन टू ए इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में ए माइनस 18 डिग्रीज फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें कि अगर टेन टू ए कॉट ए माइनस 18 डिग्रीज के इक्वल है तो एंगल ए की वैल्यू निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम वो वैल्यूज लिख लेंगे जो हमें इक्वल दिए, ठीक है। तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्रीज हो गया, ठीक। अब हमें ये देखना है कि टेन और कॉट में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टेन और कॉट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। कॉट को हम टेन की टर्म्स में लिख सकते हैं और टेन को कॉट की टर्म्स में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम टेन को या तो कॉट में चेंज कर लें या कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आसान ये रहेगा कि मैं टेन को कॉट में चेंज करूं, ठीक। तो टेन टू ए को मैं कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो हमने टेन टू ए को चेंज करके लिख लिया कॉट 90 माइनस 2a और दूसरी तरफ दूसरे वाली टर्म को वैसे ही रहने दिया। तो कॉट a माइनस 18 डिग्रीज को हमने कॉट a माइनस 18 डिग्रीज ही रहने दिया, ठीक। अब क्या हुआ इससे कि दोनों तरफ कॉट की टर्म्स में हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर दोनों तरफ हमारे पास कॉट में वैल्यूज हैं तो हम दोनों तरफ से कॉट को हटा लेंगे। तो यहां से हमारे पास 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्रीज हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 18 डिग्रीज लेफ्ट साइड में पॉजिटिव का 18 डिग्रीज हो जाएगा और ये माइनस का 2a राइट साइड में जाके प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू अब रिड्यूस होके हो जाएगी 108 डिग्रीज इक्वल टू 3a। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे जो हो जाएगी a इक्वल टू 108 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो a इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्रीज। तो अब इसी टाइप थ्री में अगले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से कोई पर्टिकुलर चीज प्रूव करनी होती है, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एबीसी हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो राइट एंगल्ड है बी पे, ठीक। तो अब हमें प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक राइट ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है, जितने भी उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है उसको बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ए बाई टू दिखाना है। एंगल जो है लेफ्ट साइड में हमारे पास बी प्लस सी बाई टू है और राइट साइड में ए बाई टू है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, बी प्लस सी को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और राइट साइड में ए को ले जा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ए, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाके ए माइनस का हो जाएगा। अगर अब हम ढंग से देखें तो जो हमारे पास एंगल है जो हमें प्रूव करना है उसमें वो दोनों एंगल्स डिवाइडेड बाय टू है, यानी हाफ एंगल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है अभी, हम इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो हमने दोनों तरफ इसको भी टू से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, ठीक। अब दोनों तरफ इसको टू से डिवाइड करने पर यह हो गया बी प्लस सी बाई टू और इस तरफ हो गया 180 डिग्री माइनस ए बाय टू, ठीक। तो ये लेफ्ट साइड तो ऐसी रहनी थी, इसको हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो गया 90 डिग्रीज और a बाय 2 अलग से a बाय 2 हो गया माइनस में, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो इसके अंदर के एंगल्स हैं वो तो लेफ्ट साइड में तो आ गया एक उसके जैसा, राइट साइड में नहीं आया। लेकिन अब क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि हमें साइन और कॉस में इसको लेके आना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे हम दोनों तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो अब दोनों तरफ साइन ले लिया इसके, तो ये हो गया साइन बी प्लस सी बाई टू और इस तरफ हो गया साइन 90 माइनस ए बाई टू, ठीक। अब ये दोनों टर्म साइन की है और साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाई टू को हम कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू और यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके।
तो ये थे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।